सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक मेरी टाइम पवन। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हाउ टू टेक प्लेसमेंट आफ्टर कम्प्लीटिंग योर कोर्स। हम लोग कोई भी कोर्स कम्प्लीट करने के बाद में हम लोग प्लेसमेंट कैसे लें, कहाँ से प्लेसमेंट लें, क्या करना चाहिए ताकि हमें कोई अच्छी सी कंपनी मिल जाए और हमारे साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा इस मार्केट में अभी चल रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, वहाँ पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको बता दूं कि आप कोई भी कोर्स कंप्लीट किए हैं, मान लीजिए आपने जीपी रेटिंग कंप्लीट किया है या आपने सीसीएमसी कंप्लीट किया है, तो आपके पास अगर टैलेंट है तो आप थोड़ा वेट करिए और जीपी रेटिंग या सीसीएमसी के टाइम पे ही आप अपना कुछ कंपनीज़ के फॉर्म वगैरह आते हैं तो कंपनी के फॉर्म भर के आप इंटरव्यू और एग्ज़ाम क्लियर करके आप प्लेसमेंट लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं कर पा रहे तो आप सेकंड टाइम देके भी आप क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपके पास टैलेंट है तो आप फ्री में प्लेसमेंट आईटी कंपनी में आप इंटरव्यू और एग्ज़ाम के बेस पे प्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, उतना टैलेंट नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें। तो सेकंड थिंग ये है कि अगर आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है और आपके पास उतना नॉलेज भी नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है जिससे आप प्लेसमेंट ले पाएँ, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आप मुंबई जाइए, मुंबई में जाके आप हॉस्टल में रुकिए, और जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जो जिनके पास टग हैं, छोटे छोटे बार्जेस हैं, सप्लाई वेसल्स हैं, तो उन कंपनीज में जाके अपना रिज्यूम दीजिए, अपना पीसीसी रेडी रखिए इंडिया के लिए, और उन कंपनीज में जाके अपना रिज्यूम दीजिए, उनसे बात करिए कि सर मेरे को एक चांस दीजिए करके। बात करेंगे तो वो टग में आपको चांस मिल जाएगा, तो टग में आपको चांस मिल जाएगा तो वहाँ से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं करियर, वहाँ से करियर अपना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आप ऊपर आइए। अगर आपके पास पैसा नहीं तो यही आपके पास एक मोस्ट ऑप्शंस है कि आप कंपनीज में डायरेक्ट जाके उनसे बात करिए, अपना रिज्यूम दीजिए, तो कोई ना कोई टक कंपनी आपको पक्का 100% मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको कोई ना कोई कंपनीज आपको 100% हायर कर लेगी। तो ये है, आपके पास अगर बिल्कुल पैसा नहीं है तो आप बड़ा मत सोचिए, छोटे से स्टार्ट करिए, अपना हाउसकीपिंग निकालिए, फिर भी अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं हो पा रहा तो उसी कंपनी में जाके धीरे धीरे करके आप सीओपी निकालिए, सीओपी के बाद में थोड़ा पैसा अरेंज करके आप, या सीओपी के बाद में बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको फ्री में हायर कर लेंगी। एंड गाइज, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करें, ऐसा नहीं है आपके पास पैसा है तो आप किसी को भी जाके दे दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, पैसा है तो ऐसे किसी इंसान के थ्रू प्लेसमेंट लीजिए जो आपका जेन्युइन काम करा दे, कम पैसे में करा दे, अच्छा कंपनी दिला दे। तो और एक चीज़ ध्यान रखने का कि किसी को भी एडवांस में कोई भी पेमेंट नहीं देना है, जो भी है उनसे बोलो कि हमारा वर्क स्टार्ट करो तब हम पेमेंट करेंगे, या हमारा कुछ तो हमको मिलना चाहिए तभी तो हम पेमेंट करेंगे, ऐसे कोई भी एडवांस पेमेंट आप किसी को भी मत करें। अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया तो 99% आपका पैसा जाने का भी चांस रहता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई जेन्युइन एजेंट या कोई जेन्युइन ऑफिस या किसी ऐसे इंसान के पास जाइए जिनके थ्रू प्लेसमेंट हुए हो, या आपका कोई फ्रेंड गया हो, या कोई रिलेटिव्स की जानकारी में हो, या आप उनको जानते हो अच्छे से, तभी आप उनके पास जाके अपना पेमेंट करें और उनके थ्रू प्लेसमेंट लें। ऐसे अदरवाइज आप किसी के ऐसे फ़ोन पे बात करके या ऐसे मैसेज में करके ऐसे भरोसा मत करें, नहीं तो आपका पैसा 99% आपका पैसा चला जाएगा, फिर आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा और प्लेसमेंट के लिए आप इधर उधर भटकेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, आज की डेट में बहुत सारे लोग फ्रॉड एजेंट्स और बहुत सारे लोग ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं जिनका सिर्फ यही काम है कि वो पैसा आपसे लूटेंगे, कैसे भी करके लूटेंगे। आपको बच के रहना है। यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैंने देखा है कि वो लोग बहुत सारी कंपनीज की वीडियोज़ वगैरह बना के यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखो, वहाँ से उनका ईमेल आईडी कांटेक्ट नंबर कंपनीज के दिए हुए हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट करो कंपनी को, उनका ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम डालो, उनसे कांटेक्ट करो, बात करो क्या वो लोग सर्विस चार्ज, अगर वो लोग सर्विस चार्ज कर रहे हैं तो आप उनको सर्विस चार्ज पे करो, वो लोग आपको प्लेसमेंट करके देंगे। तो क्या है कि अभी तो यूट्यूब पे मैं 2 साल से यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारी कंपनीज के वीडियो छोड़े हैं, उधर जाके वीडियोज़ देखो, उनमें ईमेल आईडी मैंने दे के रखा है, ऑफिस का एड्रेस दे के रखा है, कांटेक्ट नंबर दे के रखा है, उधर जाके आप बात करो, ईमेल पे अपना रिज्यूम डालो, एड्रेस पे जाके विजिट करो, तो आपको वहाँ से प्लेसमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको प्लेसमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। और जो भी आपका नॉर्मल चार्ज रहेगा एज़ कम्पेयर टू एजेंट से, तो आपका वहाँ पे चार्ज कम ही पड़ेगा और आपका प्लेसमेंट भी सिक्योरिटी के साथ में हो जाएगा। एंड गाइज, जब बात कर लेते हैं कि जो लोग ओपन सीडीसी लेकर घूम रहे हैं उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, वो लोग क्या करें, तो गाइज ओपन सीडीसी जो लेकर घूम रहे हैं वो तो घूम ही रहे हैं, उनका छोड़ दो, जो लोग नए कैंडिडेट हैं वो लोग ध्यान से सुन लें, वो लोग ओपन सीडीसी ना करें, वो लोग मिनिमम अगर उनको इस लाइन में आना है तो मिनिमम जीपी रेटिंग या सीसीएमसी कोर्स करें या कोई दूसरा कोर्स करें, लेकिन ओपन सीडीसी लेकर अभी इस लाइन में ना आए,
आप बहुत सारी और भी जॉब्स हैं, उधर जाके आप ट्राई करो, दूसरी जॉब करो, इस लाइन में मत आओ अगर आप ओपन सीडीसी लेके अभी आ रहे हो, क्योंकि इस लाइन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट कंडीशन डाउन हो चुकी है। अगर आप ओपन सीडीसी लेके आ रहे हो तो इस लाइन में करियर बनाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज अभी जो लोग ओपन सीडीसी लेके घूम रहे हैं ऑलरेडी उनके पास है, तो वो लोग कहीं पर टकपक जो भी मिल रहा है छोटा मोटा बेसल ज्वाइन करें, वॉचकीपिंग निकालें और धीरे धीरे ग्रो करें। अभी वो लोग डायरेक्ट टैंकर और ये गैस कैरियर और आपका बल्क कैरियर कंटेनर के लिए मत सोचें, छोटे से स्टार्ट करें, धीरे धीरे ऊपर करके आएँ। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं जो लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट क्या करें, जिनके पास वॉचकीपिंग है, मैंने बहुत सारी कंपनीज के वीडियो बनाए हैं और बहुत सारी कंपनीज के वीडियो बनाएंगे जो वॉचकीपर को फ्री में हायर करती हैं, वहाँ पे जाके आप जॉब लें। एंड गाइज जो लोग सीओपी होल्डर बन के अभी घूम रहे हैं, तो सीओपी होल्डर के लिए तो आप मुंबई में जाएंगे और ट्राई मारेंगे तो आपको 100% फ्री में जॉब मिल जाएगा। अब अगर आप एजेंट से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको जॉब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं ना वो बिना चार्ज के आपको जॉब दे ही नहीं सकते, वो लोग आपसे चार्ज करेंगे। आप सीओपी होल्डर हो यार, आप जाके ट्राई करो, आपका तो हो ही जाएगा। आपका भी नहीं होगा तो फिर प्रेशर्स और वॉचकीपर का क्या होगा। आप सीओपी होल्डर हो, अपने आप को थोड़ा सोचो कि हम अगर हमको जॉब नहीं मिलेगा तो वॉचकीपर जो फ्री में जॉब ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, आप भी आराम से जॉब ले सकते हैं। तो गाइज बस इतना ही बोलूँगा, तो यही था हमारा वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको कोई मन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, हम आपका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।